कंसंट्रेशन ट्रिक। पिछले ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि 50 के आसपास जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। क्या ठीक है, 50 के आसपास नंबर का स्क्वायर निकाल सकते। अब मैं आपको बताऊंगा 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। इसके आसपास 100 के आसपास, 100 के आसपास का मतलब है कि इस ट्रिक को हम जनरली देखो कैलकुलेशन अगर लेंदी नहीं कर रहे तो आप इस ट्रिक को 76 से लेकर 125 तक यूज कर सकते। थोड़ा इजीनेस रहेगी, कैलकुलेशन आसान रहेगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 100 के आसपास के नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब मान लो कोई भी नंबर ले लो 96, हमको निकालना है। बहुत सिंपल है, ये 100 से कितना छोटा है, 4 छोटा। यहां पर 100 के आसपास की बात चल रही है तो ये 100 से जितना छोटा है 100 को उसके डबल से छोटा कर। ये कितना छोटा है, 4 छोटा है, 4 का डबल कितना हुआ, 8। तो 100 माइनस 8 कितना हो गया, 92। ये आपकी फर्स्ट टू डिजिट बन गई। हर बार यही करना है, 100 से जितना छोटा है, 100 से जितना छोटा है 100 में से उसका डबल घटा दो, और अगर 100 से जितना बड़ा है तो 100 में उसका डबल जोड़ दो। सिंपल सिंपल, ये बन गई फर्स्ट टू डिजिट। अब जितना छोटा था उसका स्क्वायर लिख दो, कितना छोटा है, 4 छोटा है तो 4 का स्क्वायर 16, खत्म खत्म। जैसे 98 का स्क्वायर चाहिए भाई साहब, ये 100 से कितना छोटा है, 2 छोटा, 2 का डबल कितना हुआ, 4, तो 100 में 4 गए 96। कितना छोटा था, 2 छोटा, 2 का स्क्वायर 4। सिंपल मेथड, बिल्कुल सिंपल है। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए भाई 112 का स्क्वायर, सिंपल चलो 112 का स्क्वायर निकाल दो। ये 100 से कितना बड़ा है, 12, तो 12 का डबल 24, तो 100 प्लस 24 124। कितना बड़ा था, 12 बड़ा था, 12 का स्क्वायर 144, तो 144। दो ही डिजिट का यूज करना, एक आगे जुड़ जाएगी तो 12544। बहुत बढ़िया। मान लीजिए कोई बोले 106 का स्क्वायर, 100 से कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 का डबल 12, तो 112, 6 का स्क्वायर 36। यहां पर चूंकि दो ही डिजिट आ रही है तो उनको लिख दो, लेकिन 12 के स्क्वायर में 3 डिजिट आ रही है तो 2 डिजिट तो लिखेंगे, एक आगे में जुड़ जाएगी। मान लो कोई हमसे बोले 109 का स्क्वायर चाहिए, कितना बड़ा है 100 से, 9 बड़ा है, 9 का डबल 18, तो 118, 9 का स्क्वायर 81। सिंपल, बहुत सिंपल मेथड है, एक बार फिर बोल देता हूं, सिंपल सा। 100 से जितना छोटा है जितना बड़ा हो 100 को उसके डबल से छोटा या डबल से बड़ा कर ले, और जितना छोटा या जितना बड़ा है उसका स्क्वायर से लास्ट की दो डिजिट बनती चली जाएंगी। और एक और देख ले, अगर मान लीजिए यहां पर हम लोग करते हैं, मान लो 92 का स्क्वायर, चलिए 92 का स्क्वायर की बात करें, तो 92, 100 कितना छोटा है, 8 का डबल कितना होता है, 16, और 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 86। कितना छोटा था, 8 छोटा था, तो 8 का स्क्वायर 64। सिंपल, समझ में आया, एक बार फिर सुन लो, बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। 100 से जितना छोटा है जितना बड़ा हो 100 में उसका डबल जोड़ दो या घटा दो, छोटा है तो घटा दो, बड़ा है तो जोड़ दो, और जो छोटा है जितना बड़ा निकला उसका स्क्वायर आगे लिख दो। यही इकलौती कैलकुलेशन ट्रिक की सीरीज है जो कि आपको ट्रिक तो बताती है, साथ में ट्रिक के पीछे बिहाइंड मैथ्स भी बताती है, उसके बिहाइंड लॉजिक भी बताती है। ये जब ट्रिक नहीं है, उसी चीज को कहने सुनने के आसान तरीके। चलो इसके बिहाइंड मैथ्स देखें। हम लोग की बार 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं। अब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ले लोगे तो 100 से बड़ा हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले लोगे तो 100 से छोटा हो जाएगा। चलो इसका स्क्वायरिंग बन जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 200x। अब देखो इनको जोड़ना मैं कैसे जोड़ रहा हूं, यहां आएगा ये 200 इंटू एक्स, 2x 0 0। जब भी किसी चीज को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आगे दो जीरो लग जाएंगे, और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, इस साइड आएगा 100 प्लस 2x, यानी 100 से जो अंतर था, 100 से x दूरी पर था, 100 प्लस x था, तो x का डबल 100 में जोड़ के यहां लिखेंगे, x का डबल 100 में जोड़ के यहां लिख देंगे, और x स्क्वायर डिफरेंस का स्क्वायर लास्ट की दो डिजिट में लिख देंगे।
है वही मैथ्स, लेकिन उस चीज को ऐसे के बजाय ऐसे करना बहुत इजी पड़ता है, इसीलिए से कैलकुलेशन ट्रिक कहते हैं। एक बार फिर सुनो लॉजिक, लॉजिक बहुत सिंपल है। 100 में x का डबल जोड़ रहे हैं, अब x नेगेटिव होगा तो 100 में से घट जाएगा जब नंबर 100 से छोटा, और x पॉजिटिव होगा तो 100 में जुड़ जाएगा जब नंबर डबल से 100 से बड़ा, और जो डिफरेंस था x 100 से उसकी दूरी थी उसी का स्क्वायर लास्ट का 2 डिजिट बन जाए। सिंपल, क्लियर हुआ सब बच्चों को? ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, मेथड हमको बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत जगह कैलकुलेशन में फायदा है, कॉपी करना।